हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से नया वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 10 न्यू ट्रिक्स। सो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक नंबर 1 से। हमारी ट्रिक नंबर 1 को करने के लिए आपको नए ब्रिक्स विंगर मोड में, सो इस वाले मोड में जैसे पाओगे आपको ये वाला गन, तो यहाँ पर पता ही होगा कि ये गन इसमें ईजिली मिल जाता है। तो इसी वाले गन के साथ आपको जो है इस वाले ट्रिक को करना है। तो सबसे पहले आपको इसको उठा लेना है, और इसको उठाने के बाद यहाँ पर ये वाला ग्लिच कैसे हो रहा है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले आप अच्छे से इस वाली ट्रिक को देख लो। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो कि मेरा जो करेक्टर है कितना फनी तरीके से यहाँ पर अपना मूवमेंट वगैरह कर रहा है। सो कैसे आप भी इस तरह से कर सकते हो, इसके लिए सिंपली आपने आपको जो है अपने फायर बटन को बस यहाँ पर टैप टैप करते जाना है, और जस्ट को पकड़ के रखना है, और फिर आपका ये वाला ट्रिक हो जाएगा। ये आपको भी दिखेगा और आपके फ्रेंड्स को भी दिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, और हमारे ट्रिक नंबर 2 को करने के लिए आपको आना है बरमुडा रिमास्टर्ड मैप में। सो इस वाले मैप में आने के बाद आपको आना है ऑब्जर्वेटरी के इस वाले लॉन्च पैड के पास, और आपको इस तरीके से अपने लॉन्च पैड को सेट करना है। ध्यान से आप इस वाले पेड़ के ऊपर देख सकते हो कैसे मैंने इसको सेट किया है। सो इसको सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो है गेट आउट कर देना है, लॉन्च नहीं करना है, यहाँ पर गेट आउट कर देना है। सो जैसे आप गेट आउट करके आप आ जाओगे पूरा इस तरीके से ज़मीन के नीचे, यहाँ पर आपको कोई ना तो देख पाएगा ना ही आपको कोई यहाँ पर किल कर पाएगा। और अगर आप इस तरह से जंप जंप करोगे फिर आप इजीली जो है यहाँ पर किसी भी एनिमी को फायर से भी किल कर सकते हो। सो इस तरह से जब आप अंदर चले जाओगे फिर जब आपको बाहर निकलना हो इसके लिए आपको फिर से यहाँ पर लॉन्च पैड को यूज़ करना पड़ेगा, और इसको यूज़ करने के बाद बस थोड़ा सा इसका एम यहाँ पर जो है टेढ़ा कर देना है, फिर यहाँ पर गेट आउट कर देना है, फिर आप बाहर चले जाओगे। चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर, और हमारी ट्रिक नंबर 3 को करने के लिए आपको जाना है इस वाले मोड में, फ्री फॉर ऑल वाले मोड में। इस वाले ट्रिक को आपको करना है। सो इस घर के पास आपको पहले आना है, इस तरीके से हमारे 2 ग्लोवाल को सेट करना है, और 2 ग्लोवाल सेट करने के बाद आपको जाना है इस वाले डब्बे के पास, इसमें से आपको और 2 ग्लोवाल यहाँ पर मिल जाएंगे। सो फिर आपको वापस आना है, फिर आपको इस तरीके से हमारे और 1 ग्लोवाल सेट करना है, और तीसरा वाला ग्लोवाल जो है थोड़ा सा हार्ड है सेट करना है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। फिर आपको चढ़ना है इस तरीके से डब्बे के ऊपर, यहाँ से आपको चढ़ना है दीवार के ऊपर, और यहाँ पर जैसे आप आ जाओगे यहाँ पर थोड़ा सा चिपक के ही चलना, नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे। फिर आपको जंप करके इसके ऊपर आ जाना है, फिर इस विंडो की मदद से आपको इस तरह से ग्लोवाल के ऊपर चले जाना है, और ग्लोवाल के ऊपर जैसे आप चले जाओगे यहाँ पर पहले एक एनिमी आ चुका था, पहले इसको हम यहाँ पर जो है टपका देते हैं। फिर आपको सिंपली जंप करें, फिर आप चढ़ जाओगे पूरा इस हाउस के ऊपर, और आपको इससे आगे नहीं जाना। अगर आप इससे आगे गए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर एलिमिनेट हो जाओगे। बाकी इसके ऊपर रहकर जो आप यहाँ से भी बहुत सारे एनिमी को किल कर सकते हो, और अपना गेम भी पूरा का पूरा जीत सकते हो। और अगर आप यहाँ पर उतरोगे यहाँ पर आप जो है पूरा का पूरा इस तरह से हवा में लटक सकते हो, यहाँ पर नीचे एक इनविजिबल वॉल रहता है जिसकी मदद से आप इजीली यहाँ पर हवा में लटक सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, और हमारे ट्रिक नंबर 4 को करने के लिए आपको चाहिए एक लैम्बोर्गिनी कार। आपको आना है यहाँ पर अपने फिर से बरमुडा रिमास्टर्ड मैप में, इस बार आपको आना है 10 सर्किट में। सो इस वाले ट्रक के पास जैसे आप आ जाओगे फिर आपको इस तरह से गाड़ी को सेट करना है, यहाँ पर फिर गेट आउट कर देना है, फिर आप चले जाओगे इस तरह से पूरा ट्रक के अंदर, और ये वाले ट्रिक दिखाकर आप जो है अपने फ्रेंड्स को इजीली यहाँ पर सरप्राइज कर सकते हो। और अगर आप इस साइड में आओगे फिर इस तरह से अगर गाड़ी को सेट करोगे फिर यहाँ पर गेट आउट कर देना है, और जैसे आप गेट आउट करोगे आप चले जाओगे पूरा का पूरा ट्रक के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पर चला गया हूँ, बट अंदर से आप बाहर वाले एनिमी को फायर से बिल्कुल ही नहीं मार सकते, और यहाँ से जो आप इजीली बाहर भी निकल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, और हमारे ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए आपको फिर से आना है फ्री फॉर ऑल वाले मोड में। सो इस मोड में आने के बाद आपको इस दीवार के पास आना है, पहले आपको इस तरह से थोड़ा सा ऊपर चले जाना है, फिर आपको फिर से इस तरह से चिपक चिपक के यहाँ पर चलना पड़ेगा, थोड़ा सा भी बाहर की ओर मत जाना नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे। फिर आपको इस साइड में आना है, इस साइड में आने के बाद आपको यहाँ पर आना है जो सामने आपको बालकनी दिख रही है इसके ऊपर आपको जंप करके इस तरह से इसके ऊपर चले जाना है, और जैसे आप इसके ऊपर चले जाओगे यहाँ पर जो आप हर साइड के एनिमीज को देख सकते हो, हर साइड के एनिमीज को किल कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर बैठकर जो है ना मतलब इतने सारे एनिमीज मारे थे कि क्या बताओ आपको, और मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा अपना गेम भी जीता था। सो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि अभी भी जो है मैं ही यहाँ पर टॉप पे हूँ, मतलब नंबर 1 पे अभी भी यहाँ पर मैं ही हूँ, और यहाँ पर जो हर साइड से एनिमीज देखते हैं तो ईजिली आप एनिमीज को भी मार सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, और हमारी इस वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है रिमास्टर्ड सॉरी बरमुडा मैप में। सो यहाँ पर आपको आना है सेंतोसा में इस वाले घर के पास, फिर आपको इस दरवाजे के पास आना है, पहले आपको अच्छे से एम को सेट करना है, फिर यहाँ पर लैंडमैन को सेट कर देना है, और आपका जो लैंडमैन है यहाँ पर पूरा का पूरा हाइड रहेगा, पूरा का पूरा इनविजिबल रहेगा, और आप चाहते हो यहाँ पर थोड़ी सी लूट भी ड्रॉप कर सकते हो जिससे यहाँ पर कोई भी एनिमी आ सकते हो, और प्लस यहाँ पर 2 लैंडमैन भी लगा सकते हो। और अगर आप 2 लैंडमैन यहाँ पर लगाओगे फिर अगर यहाँ पर थोड़ी सी लूट भी डालोगे फिर यहाँ पर कोई भी एनिमी आएगा वो यहाँ पर ईजिली किल हो जाएगा, मतलब लूट देकर एनिमी जो है मतलब ईजी चला जाएगा लूट को लूटने, और वो यहाँ पर ईजिली किल हो सकता है, और आपका लैंडमैन भी बिल्कुल भी उसको नहीं दिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की, और हमारे ट्रिक नंबर 7 को करने के लिए आपको जाना है यहाँ पर ब्रिक्स विंगर मोड में।
तो इस वाले मोड में जैसे आप आओगे आपको इस वाले घर के पास आना है। आप किसी भी जगह पे बस यही वाला घर होना चाहे बाकी किसी भी जगह पे इस वाले ट्रिक को कर सकते हो। तो इस तरह से आपको विंडो के पास बैठना है, इसको हाथ में लेना है, फिर आप फायर पे और जंप पे दोनों पे एक साथ टैप कर देना है, फिर आप चले जाओगे पूरा का पूरा इस दीवार के अंदर। फिर आपको बस यहाँ पर 5-6 बार जंप करना है, फिर आपका कैरेक्टर जो है थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। फिर आपको बस यहाँ पर जॉस्ट को थोड़ा सा टच करना है और जैसे आप थोड़ा सा अपने जॉस्ट को टच करोगे आप गिर जाओगे पूरा का पूरा ज़मीन के नीचे। उसी टाइम पर आपको नेट को ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपने नेट को ऑफ नहीं किया तो आप किल हो सकते हो, बाकी आपको नेट ऑफ करना है, फिर आप किल नहीं हो जाओगे। और फिर जब नीचे बैठकर इस यहाँ पर नीचे का अच्छे से व्यू वगैरह भी देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की और हमारी ट्रिक नंबर 8 को करने के लिए आपको आना है पर ट्रेनिंग ग्राउंड में। सो यहाँ पर मैं भी जा रहा हूँ सोशल जोन में, इस ट्रिक से जैसे कि आप देख ही सकते हो। और आप ध्यान से देखो यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी है, सॉरी मेरा फ्रेंड है, यहाँ पर देखो दो मेरे फ्रेंड है और दोनों के नाम यहाँ पर अच्छे से दिखते हैं जो कि नॉर्मली दिखते ही है। सो इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं चला जाऊँगा वापस टारगेट रेंज में। इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर कंबैट जोन में। सो यहाँ पर कंबैट जोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको बस 1-2 किल करना है, तो खुद भी यहाँ पर किल हो जाना जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर मैं किल हो चुका था। तो कुछ इस तरह से आपको भी यहाँ पर बस किल होना है, फिर आपको वापस चले जाना है फिर से टारगेट रेंज में, फिर आपको फिर से जाना है सोशल जोन में। इसके बाद जितने भी आपके फ्रेंड रहेंगे उनका जो है नाम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, मतलब वो पूरे के पूरे यहाँ पर एनिमी लगेंगे, उन दोनों के नाम जो है पूरे के पूरे इनविजिबल हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की और हमारे ट्रिक नंबर 9 को करने के लिए आपको पहले आना है लॉबी में, फिर आपको जाना है लक रॉयल वाले मोड में। सो जैसे आप लक रॉयल में चले जाओगे यहाँ पर देखो इस वाले सेक्शन में आपको आना है जहाँ पर ये रेड क्रिमिनल मिलता है। सो यहाँ पर आपको इस बंडल पे मतलब रेड क्रिमिनल पे और गोल्ड रॉयल पे दोनों पे एक साथ टैप कर देना है। और जैसे आप दोनों पे एक साथ टैप करोगे यहाँ पर आपका ये वाला गिली छोड़ जाएगा, मतलब दो बंडल यहाँ पर एक साथ दिख रहा है जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा है। और अगर आप इसी वाली ट्रिक का यूज़ करके इस बार आपको इमोट पे टैप करना है और यहाँ पर गोल्ड रॉयल दोनों पे एक साथ टैप कर देना है, फिर आपके जो है यहाँ पर इस तरह से गोल्ड रॉयल की बंडल भी दिखाएगा और आपका इमोट भी यहाँ पर होता रहेगा जो कि सच में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिखता है। सो इस तरह से आप इस वाली ट्रिक को कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। सो हमारी ट्रिक नंबर 10 को करने के लिए आपको फिर से आना है ब्रिक स्विंगर मोड में। लॉबी में आपको ब्रिक स्विंगर मोड को स्टार्ट करना है और इस गेम में आ जाना है। और जैसे भी इस गेम में आओगे फिर आपको आना है किसी भी ज़िपलाइन के पास और आपके पास रहनी चाहिए ब्रेक जो है यहाँ पर मिलते हैं तो ये आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर आपको आना है ज़िपलाइन के पास, यहाँ पर बस इनको 2 सेट कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 सेट किए थे लगातार, आपको जल्दी से 2 सेट कर देने हैं। फिर आपको बस यहाँ पर अपनी ज़िपलाइन को जो है यूज़ कर लेना है, फिर आपका ये वाला ग्लिच हो जाएगा जैसे कि आप ध्यान से यहाँ पर देख ही सकते हो कि कैसा ग्लिच यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरह से इस वाले ट्रिक को कर सकते हो। बाकी यही था इस वाले वीडियो में, अगर आपको आज का ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।